खालिस्तान समर्थक आतंकियों और अलगाववादियों पर भारत सरकार के हंटर ने कनाडा को घुटनों पर ला दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर खुद को घिरता देख कनाडा की सरकार खालिस्तान समर्थकों पर एक्शन को मजबूर हो गई। जैसे कनाडा प्रशासन ने 25 सितंबर को खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सख्ती बढ़ा दी। कनाडा की सरकार ने खालिस्तान समर्थक संगठनों को अल्टीमेटम जारी करते हुए भारत विरोधी पोस्टर और बैनर हटाने के निर्देश दिए। यही नहीं, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से खालिस्तान समर्थकों के लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स हटाए जाने लगे। कनाडा के सरे में खालिस्तान समर्थकों के प्रोपेगेंडा वाले पोस्टर्स और होर्डिंग्स भी हटाए गए। इसके अलावा कनाडा अमेरिका सीमा पर भी भारत विरोधी पोस्टर्स और बैनर हटाने की शुरुआत हो गई। दरअसल खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों ने भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने और जन समर्थन जुटाने के लिए जगह जगह ऐसे भड़काऊ पोस्टर्स लगाए थे। लेकिन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोपों के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई। केंद्र सरकार ने कनाडा की धरती पर फल फूल रहे खालिस्तानी आतंकियों और अलगाववादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। भारत सरकार ने देश और विदेश में खालिस्तान समर्थकों की संपत्तियों की जांच करने के साथ उनके करीबियों, रिश्तेदारों की संपत्ति और बैंक खातों की निगरानी करने का फैसला किया। इसके अलावा भारत सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों की पहचान करें, उनका OCI कार्ड रद्द करें। साथ ही भारत में उनकी संपत्तियों और उनके शुभचिंतकों की संपत्तियों और बैंक खातों की भी पहचान करें और उन्हें जल्द से जल्द जब्त करें। UAPA के सेक्शन 33(5) के तहत ये संपत्तियां जब्त की जाएंगी। दरअसल खालिस्तान समर्थक गुट विदेश में बैठकर अपना एजेंडा चलाते हैं, जबकि भारत में निवेश कर संपत्ति बनाते हैं। OCI कार्ड रद्द होने से विदेश में बैठे खालिस्तानी भारत नहीं आ सकेंगे, साथ ही उनकी संपत्तियों की जांच के बाद जब्ती भी की जाएगी, जिससे उनकी कमर टूटनी तय है। आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने के साथ ही भारत सरकार ने खालिस्तान समर्थकों को जेल की काल कोठरी तक पहुंचाने के लिए भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। सूत्रों के मुताबिक NIA ने भगोड़े खालिस्तान समर्थकों की एक लिस्ट तैयार की है। NIA की इस लिस्ट में 19 खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों और आतंकियों से जुड़ी हर जानकारी दर्ज है। इस लिस्ट को देश के सभी एयरपोर्ट्स पर सर्कुलेट किया जाएगा ताकि उन्हें दबोचने और कानूनी कार्रवाई करने में आसानी हो। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों के दौरान विदेशों में खालिस्तान के समर्थन में जितने भी प्रदर्शन हुए उनके सभी डिटेल्स UK, कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों को दिए गए हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है जो लगातार ऐसे प्रदर्शन में सक्रिय रहते हैं या फिर जिनका मकसद भारत की छवि को धूमिल करना होता है। भारत ने साफ कर दिया है कि इन खालिस्तानी संगठनों और खालिस्तान से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी जानकारी आ रही है कि आने वाले दिनों में ऐसे सभी खालिस्तानियों की पहचान कर उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाले खालिस्तानियों और उनके करीबियों पर हंटर चलाने के अलावा भी सरकार ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है जिनसे इन नफरती एजेंडाधारियों की हवा निकल जाएगी। दरअसल भारत सरकार ने खालिस्तान समर्थक गुटों को पूरी तरह तबाह करने के लिए उनकी फंडिंग पर प्रहार करने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान के जरिए खालिस्तानी नेटवर्क को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया जाएगा। दरअसल भारतीय जांच एजेंसियों की तफ्तीश में सामने आया था कि कनाडा में तैयार होने वाली फिल्मों, कनाडा प्रीमियर लीग और थाईलैंड के कई बार्स का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट और हवाला रैकेट के लिए किया जाता है। सारा काला पैसा थाईलैंड के रास्ते कनाडा जाता है। हाल ही में दायर NIA की चार्जशीट के मुताबिक साल 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। यही नहीं, भारत से बिश्नोई गैंग ने उगाही के पैसे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड और सतबीर सिंह को भेजे। गोल्डी बराड बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी लखबीर सिंह लांडा का करीबी है, लिहाजा बहुत मुमकिन है कि भारत से भेजे गए उगाही के पैसों का एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन अब भारतीय जांच और खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तान समर्थकों के हवाला सिंडिकेट की पहचान कर उसे ध्वस्त करने का मंसूबा बनाया है। खालिस्तान समर्थकों को पनाह देने के मुद्दे पर कनाडा से छिड़े घमासान के बीच भारत सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। बताया गया कि भारत सरकार खालिस्तान समर्थक आतंकी नेटवर्क की फंडिंग पर लगाम लगाएगी, जिसके लिए जांच एजेंसियों ने उनकी फंडिंग के स्रोत और रास्तों की पहचान कर ली है। और जांच में सामने आया कि खालिस्तान समर्थक आतंकी नेटवर्क तक हवाला के जरिए पैसे पहुंचते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा थाईलैंड के रास्ते कनाडा में इन आतंकी संगठनों तक पहुंचता है और इनमें भी बड़ी रकम फिरौती, शराब और हथियारों की तस्करी के साथ ही अवैध कारोबारों से जुटाई जाती है और फिल्म के अलावा नाइट क्लब, बार और कनाडा प्रीमियर लीग जैसे आयोजनों में इस रकम का निवेश किया जाता है।
एनआईए की जांच में यह भी पता चला है कि 2019 से 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। अब भारत सरकार आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इनके फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी में है। वहीं कनाडा में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ नफरती वीडियोस को लेकर वहां के कई मंत्रियों और नेताओं ने सरकार से अपना विरोध जताया। कनाडाई अधिकारियों और नेताओं ने नफरती वीडियोस की निंदा की और कहा कि हिंदू सुरक्षित हैं। कनाडा के जन सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थानों और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लिब्लांस ने कहा कि हिंदू कनाडाई लोगों के खिलाफ ऑनलाइन नफरती वीडियो का प्रसार उन मूल्यों के विपरीत है जिन्हें हम कनाडा के नागरिक के रूप में प्रिय मानते हैं। आक्रामकता, नफरत, धमकी वाले कृत्यों के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं है। दरअसल दो दिन पहले खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू और न्यूयॉर्क के एक वकील ने कनाडा के हिंदुओं से भारत वापस जाने की बात करते हुए वीडियो रिलीज किए थे, जिसके बाद से ही कनाडा के कई विपक्षी नेता और सांसद सरकार से इस मामले में एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर उपजे भारत कनाडा विवाद में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अमेरिका की वजह से ही दोनों देश आमने सामने हैं। दरअसल कनाडाई मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि पांच देशों वाले फाइव आईज संगठन के एक सदस्य ने निज्जर की हत्या से जुड़ी खुफिया जानकारी कनाडा को दी थी। अब ये साफ हो गया है कि ऐसा करने वाला वो देश अमेरिका ही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर की हत्या के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपने कनाडाई समकक्षों को इससे जुड़ी जानकारी दी थी। अमेरिका नियमित और ऑटोमेटिक तरीके से कनाडा समेत अपने करीबी देशों के साथ सूचनाएं साझा करता है, लेकिन आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी को एकदम अलग तरीके से जानबूझकर साझा किया गया। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी प्रशासन से सवाल किए गए तो व्हाइट हाउस की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका भारत के साथ डबल गेम खेल रहा है। क्या अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाने के साथ हमारी बढ़ती ताकत से चिढ़ा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है कि कनाडा में रह रहा अर्शदीप डल्ला खालिस्तान समर्थकों से मिला हुआ है। यही नहीं, बताया जा रहा है कि अर्शदीप डल्ला खालिस्तानी गुटों की मदद से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। वो कनाडा में 25 सितंबर को भारतीय कॉन्सुलेट्स के सामने प्रदर्शन की साजिश में भी शामिल है। आपको ये बता दें कि अर्शदीप डल्ला साल 2020 में पंजाब से भागकर कनाडा चला गया था। अर्श डल्ला मूल रूप से पंजाब के मोगा जिले के डल्ला गांव का रहने वाला है। वो कई संगठित आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन समेत चरमपंथी समूहों से जुड़ा है। अर्श डल्ला कुख्यात कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से भी जुड़ा है। 27 वर्षीय अर्श डल्ला अपनी पत्नी और बेटी के साथ कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे में रह रहा है। यहीं आतंकी निज्जर भी रहा करता था। बीजेपी सांसद रमेश पिदोड़ी के दानिश अली पर आपत्तिजनक बयान मामले पर सियासत जारी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की। निशिकांत दुबे पर पलटवार करते हुए बीएसपी सांसद दानिश अली ने उन्हें आरोप साबित करने की चुनौती दी। दानिश अली ने कहा कि संसद में उनकी जुबानी लिंचिंग हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी भिदोड़ी के बहाने जातीय जनगणना से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 27 सितंबर से मध्य प्रदेश के रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में सेंट्रल वॉर रूम बनाया है। पूर्व आईएएस और कांग्रेस नेता शशिकांत सेंथिल को सेंट्रल वॉर रूम का चेयरमैन बनाया गया है। Z News.